नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संसद को उस अर्थ में संप्रभु या सर्वोच्च कहा जा सकता है जिस अर्थ में कि ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च और संप्रभु माना जाता है। क्योंकि ब्रिटेन की संसद समस्त संसदों की जननी कही जाती है और भारत की संसद भी एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश संसद की ही एक प्रतिकृत लिपि या अनुकृति नजर में आती है। वास्तव में ब्रिटेन की संसद इतनी अधिक शक्तिशाली और सर्वोच्च संस्था है कि उसके बारे में प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान डी लॉम ने तो यहां तक कहा था कि ब्रिटेन की संसद सिवाय स्त्री को पुरुष बनाने और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त समस्त कार्य कर सकती है। ब्रिटेन की संसद के द्वारा निर्मित समस्त कानून न केवल न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से परे हैं, अपितु उनके विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। ब्रिटेन की संसद द्वारा निर्मित कानून सर्वोच्च होते हैं और ब्रिटेन की संसद के द्वारा निर्मित कानून की कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा उसे किसी प्रकार से नियंत्रण में रखा जा सके या उस पर रोक लगाई जा सके। वास्तव में भारत की संसद को भी ब्रिटेन की संसद से ही प्रेरित होकर निर्मित किया गया है और यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की संसद की भांति भारत की संसद में भी दो ही सदन रखे गए हैं और ब्रिटेन की संसद की लगभग समस्त प्रशासनिक और विधायी प्रक्रियाएं भारत की संसद में भी अपनाई गई हैं। किंतु वास्तव में भारत की संसद उस अर्थ में संप्रभु नहीं है जिस अर्थ में कि ब्रिटेन की संसद को संप्रभु माना गया है। भारत की संसद पर जो कार्य या जिन बातों से नियंत्रण स्थापित होता है वे कुछ इस प्रकार है। जैसे भारत के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। यद्यपि भारत का संविधान कहीं भी यह उल्लेख नहीं करता कि संविधान सर्वोच्च है, किंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि सर्वोच्चता की बात की जाए तो संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अतः यहां यह कहना ठीक रहेगा कि भारत की संसद संप्रभु नहीं है, अपितु उसे संविधान की सर्वोच्चता के अंतर्गत रखा गया है। संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को विभिन्न माध्यमों के द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है। जैसे संसद के द्वारा निर्मित कानून को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार हेतु भेजे जाने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा निर्मित कानून न्यायिक विवेचन के भी विषय हो सकते हैं। चूंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण संसद की शक्ति सीमित हो जाती है। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को भी शासन की इकाइयों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि राज्यों को जो शक्तियां विधि निर्माण के लिए दी गई हैं उन पर राज्य ही कानून बना सकते हैं। चूंकि भारत के संविधान में तीन प्रकार की सूचियों का निर्धारण किया गया है जिनमें केंद्र को अलग और राज्यों को अलग कानून बनाने की स्थिति प्रदान की गई है, अतः सामान्य परिस्थितियों में राज्यों को निर्धारित विषयों पर संसद कानून नहीं बनाती है, अतः संघात्मक व्यवस्था भी संसद के कार्य और सर्वोच्च नियंत्रण करती है। तीसरा जो कारण संसद की सर्वोच्चता पर नियंत्रण रखता है वह है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग तीन में सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग भी कहे जाते हैं और इन अधिकारों की न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व के उदारवादियों द्वारा भी प्रशंसा की जाती है। चूंकि मौलिक अधिकार संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और संसद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती है। विभिन्न वादों में न्यायपालिका ने भी यह तथ्य रेखांकित किया है कि मूल अधिकार एक तरह से भारतीय नागरिकों या विदेशियों को प्राप्त महत्वपूर्ण अधिकार है और इनके विरुद्ध संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त नहीं है। एक अन्य व्यवस्था जो संसद की सर्वोच्चता पर प्रतिबंध लगाती है वह है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका को प्राप्त एक महत्वपूर्ण भाग है।
महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारत में अमेरिका के संविधान से, अमेरिका की व्यवस्था से प्रेरित है। अमेरिका में यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन अत्यधिक कठोर है और वहां किसी एक कानून के रद्द होने का अर्थ होता है कि वहां संपूर्ण विधि प्रक्रिया पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किंतु भारत में इतनी छूट न्यायपालिका के निर्णय द्वारा दी गई है कि केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाता है जिस भाग पर आपत्तियां उठी हैं। इस तरह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा कर सकता है और उन्हें संविधान की भावना के विरुद्ध पाए जाने पर अथवा उसे अनुचित पाए जाने पर वह रद्द भी कर सकता है। ऐसा अनेक मामलों में देखा गया है जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायपालिका ने विधायिका की जो नियंत्रण, विधायिका की जो मनमानापन है उस पर रोक लगाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है और ना ही संप्रभु है। वास्तव में भारत में संप्रभुता जनता में ही निहित की गई है, यह किसी संस्था में निहित नहीं है। और यदि सर्वोच्चता तय करनी हो तो बेहतर यही होगा कि संसद की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को ही स्वीकार किया जाए। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं संसद में लाए जाने वाले कुछ विशिष्ट प्रस्तावों की। संसद सदस्यों द्वारा संसद में जो प्रस्ताव रखे जा सकते हैं उनमें से कुछ प्रस्तावों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की। यह प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से लाया जाता है और जब किसी सदस्य को किसी विशिष्ट मंत्री का ध्यान किसी सार्वजनिक हित के महत्व के मुद्दे की ओर आकर्षित करना होता है तब वह इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अध्यक्ष की अनुमति से लाता है। इसी प्रकार एक अन्य प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। भारतीय संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जिनमें यह अधिकार भी प्राप्त है कि संसद में उन्हें जो सूचना सरकार के द्वारा दी जाएगी वह सही होगी। यदि कोई मंत्री किन्हीं तथ्यों को छिपाता है या गलत जानकारी संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है तो सांसद इस आधार पर उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। एक अगला प्रस्ताव कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है। जब देश में कोई ऐसी विशिष्ट घटना घटित हो जाए जिस पर तुरंत चर्चा करना आवश्यक हो तो संसद का सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर इस विशेष घटना या प्रस्ताव पर ही विचार व्यक्त किया जाए और इस प्रस्ताव को कार्य स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। एक अन्य प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव होता है। संसद सदस्य द्वारा किसी विशेष विषय को लेकर किसी मंत्री या सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तावों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बजट की मांगों में कटौती हेतु यह प्रस्ताव रखे जाते हैं और लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब होता है कि शासन के विरुद्ध सदन को विश्वास नहीं रह गया है और ऐसी स्थिति में किसी कटौती प्रस्ताव के पारित होने का तात्पर्य होता है कि सरकार को या प्रधानमंत्री को संपूर्ण मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देना होता है। एक अन्य प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव भी होता है। अविश्वास प्रस्ताव अनेक बार संसदीय प्रणाली में लाया गया है और इसे जनमानस ने भी बहुत गौर से देखा है क्योंकि किसी सरकार का सत्ता में बने रहना या पदच्युत होना इसी अविश्वास प्रस्ताव पर निर्भर करता है। यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है, इसे विपक्षी दलों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे विचारार्थ कार्य सूची में शामिल होने के बाद निश्चित तिथि पर प्रस्ताव पर सदन में बहस की जाती है। बहस के बाद मतदान में यदि लोकसभा सामान्य बहुमत से 51% वोटों से यदि इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देती है तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि लोकसभा को अब सरकार में विश्वास नहीं रह गया है और अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार को पदच्युत माना जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत ही एक अन्य प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव होता है। यह सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य यह दर्शाना होता है कि सरकार को लोकसभा का बहुमत प्राप्त है और वह सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। सामान्यतः यह एक तरह से शक्ति परीक्षण के द्वारा अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास होता है, अतः विश्वास मत प्रस्ताव की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होती है और इसे लाने पर सामान्यतः पारित हो ही जाता है।
किंतु यदि किसी कारण से यह विश्वास मत प्रस्ताव पारित न हो पाए तो सरकार को उस परिस्थिति में भी त्याग पत्र देना ही होता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत संसद की संप्रभुता और संसद में लाए जाने वाले कुछ प्रस्तावों के बारे में चर्चा की है। अगले भाग में हम संसद में विधायी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।